जल्द से जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिक पवित्र नाम में सब पवित्र जन को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि माला और एक बार मिल करके प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। अब देखो जाग जाओ, हमें जागने की जरूरत है क्योंकि हमको लेने के लिए प्रभु आ रहा है। हमें जागने का समय बोलेगा तो समय पार हो चुका है ना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि ये बाइबल हमें नहीं मिला होता तो हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अदृश्य परमेश्वर का ज्ञान देने वाला दुनिया में एकमात्र बात प्रभु का वचन है। इस वचन की सिवा हम परमेश्वर को नहीं जान सकते, और इस वचन की सिवा इस चीज के बारे में परमेश्वर ने जो कार्य किया उसका बारे में हम नहीं जान सकता है ना। मनुष्य कौन है ये जानना है तो बाइबल चाहिए है। पाप कैसे आया जानना है तो बाइबल चाहिए। पाप का मजदूरी या पाप के कारण आनंद धाम विदाएगा कौन बताता? बाइबल बताता है ना। इसका मतलब बाइबल नहीं मिला होता हमारा हालत क्या होता, लेकिन ये बाइबल मिलने के बाद में हमारा हालत क्या है ना। मतलब बाइबल का महत्व जानने वाले लोग भी बहुत कम है। इस वचन का महत्व हरेक पवित्र लोग खास करके उदार पाए हुए लोग जानना चाहिए। आज इतना अच्छा रीति में अपने को बाइबल से सीखने के लिए प्रभु ने अवसर बनाकर दिया, लेकिन कितने लोग लाभ उठाता है? कितने लोग उसके लिए सच में भूख और प्यास है? ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में जो हमें मौका मिल रहा है, अभी आपको मालूम है, अभी हम लोग आने के बाद में वही बात कर रहा था, मालूम आसाम में चाइना में सब बाढ़ बहुत हो रहा है, पानी बहुत है पर पीने के लिए पानी नहीं, पानी बहुत है अपने से ऊपर सिर के ऊपर से पानी बह रहा है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं। देखा है? देखो कौन देता पानी पीने के लिए? प्रभु देता है, प्रभु देगा तभी पिएगा है ना। हर एक चीज प्रभु देता है। हमारे जीवन में हर एक बातों को अगर हम प्रभु का वजन से जानेगा तो कितना अच्छा रहेगा। ये वजन नहीं मिला तो पर हम कहां पर पहुंच गया हमको ये भी नहीं समझता। अभी आप देखो अगर आप प्रभु को ये प्रभु का वजन मिलने के बाद में अगर हम अपनी तैयारी अगर नहीं किया तो हम दोषी हैं, क्योंकि ये परमेश्वर हमसे बात करने वाला एकमात्र माध्यम है प्रभु का वचन। इस वचन का गौरव नहीं जानेगा तो इसलिए हर एक पवित्र लोगों को हमेशा विनती करता है कि आप संगति मत छोड़ो। प्रियो अभी पहला तो पांच अध्याय के पहला वचन में हम लोग आने के बाद में पढ़ा, संदीप सर पढ़ रहा था पहला तस्लोनी क्यों पांच अध्याय का पहला वचन। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। लिखा अभी लिखा जाने का जरूरत नहीं है ना। प्रभु आ रह करके आज दुनिया का सारे संभव देखने वाला थोड़ा कुछ वजन जानने वाले लोगों को सबको मालूम है, सबको मालूम है प्रभु का आगमन इतना निकट है। लेकिन अवस्था क्या मालूम है? अवस्था अभी मतलब मंडली की अवस्था के बारे में बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में लिखा है, सातों मंडली की अवस्था। उस मंडली की अवस्था लिखने के टाइम पर आखिरी समय की मंडली के बारे में क्या लिखा है? उसका तीसरा अध्याय का 15-16 वचन, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है ना तो ठंडा है और ना गरम ना गरम होता कि ठंडा या गरम होता, इसलिए कि तू गुनगुना नहीं और ना ठंडा है और ना गरम, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। वाह 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 वाह, आप देखा है कोई काम का है? मंडली काम का नहीं, एक गुनगुनाहट का अवस्था है। बोलने का मतलब शारीरिक है क्या? नहीं शारीरिक नहीं, आत्मिक है क्या? आत्मिक भी नहीं है, शारीरिक भी नहीं बोल सकता, हिंदी में बोलेगा तो स्वाभाविक। स्वाभाविक है क्या? नहीं स्वाभाविक नहीं, उदार पाया है। और आत्मिक है क्या? आत्मिक भी नहीं, बीच में। प्रभु बोलता है मैं उमड़ने पर, मैं थूकने पर। आज हमारी अवस्था क्या है? है प्रभु हमें थूकने पर है तो फिर क्या फायदा? फिर हमारे आत्मीय जीवन में हमें एक सच्चा आत्मीय जन बन करके जीवन नहीं बिताता है तो
प्रभु का वचन कहता है कि मैं उसको, क्योंकि वो या ठंडा या गर्म इसका बीच में है। कई बार कई लोग भी बोलते हैं ज्यादा पत्थर बनने से अच्छा मिडिल में चलना, ऐसे लोगों के बारे में बोला है कि तू ग्रह पर है। अब देखिए है अपना अवस्था क्या है, हमारा आत्मिक अवस्था क्या है। आज प्रभु के प्रति में जनन मन के साथ प्रभु का भक्ति कर पाता है क्या? हमें ये बात को परखना है, व्यक्तिगत जीवन में हमें बात को जानना है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है। हम आखिरी के आखिरी समय में, अभी आपको आप सुनो न्यूज सुनने वालों को मालूम है, ऐसा एक दिन नहीं जिस दिन हम लड़ाई के बारे में नहीं सुनता है। लड़ाई की चर्चा बढ़ते जा रहा है, रशिया यूक्रेन को मानो अभी 4 महीने से ऊपर हो गया है, बारी बार इतना लोगों का मृत्यु हुआ कोई गिनती नहीं है, देश देश नष्ट होते जा रहा है। और इसके अलावा अभी चाइना ताइवान के ऊपर देखो है इतना भयंकर बात हो रहा है, और ईरान इसराइल के ऊपर भयंकर भयंकर पूरा वर्ल्ड का अवस्था क्या है, कहीं भी देखेगा तो एकदम जल रहा है, जल रहा है। और उसके साथ साथ मानो बाढ़ आ रहा है, अफगानिस्तान में भूकंप आया है, देखो कितने लोग मर गया है, हजार से ऊपर वो मानो रिपोर्ट में आ रहा है तो 10,000 से ऊपर कम से कम। आप देखो काम भर क्या क्या हो रहा है, लोग कितना मानो परेशानी में। तभी भी प्रभु ने इंडिया में, महाराष्ट्र में, नासिक में शांत वातावरण चारों तरफ से अनुकूल परिस्थिति बनाकर देने के बावजूद भी प्रभु का लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखा है प्रभु के प्रति हमारा भूख प्यास देखो कितना उत्साह होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं हर एक लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन करने में इन दिनों में बहुत दिलचस्पी लगाना पड़ेगा, बहुत उत्साही बनना। अभी हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात बहुत तेजी से पूरा होते जा रहा है, कभी भी प्रभु का आगमन रहेगा। मैं आपको बोलता हूँ प्रभु का प्रकट आगमन का चिन्ह हम देख रहे हैं, तो फिर गुप्त आगमन उसे 7 साल पहले होना चाहिए, अभी देर होगा क्या? प्रकट आगमन की बात हम देख रहे हैं, एक एक बात जैसा प्रभु ने कहा वैसा हो रहा है। कितना जगह पर कितना बीमारियां, कितना अकाल, 7 कंट्री में अभी अकाल है बोलते हैं। आप देखो बहुत भयंकर अवस्था है, अपने पास में श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, ऐसा 7 कंट्री में एकदम अकाल, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं। आप देखो इतने लोग भूखा मर रहा है। और जब यीशु मसीह मतलब प्रकट आगमन के बारे में मत्ती की सुसमाचार 24:2 जब वो आगे जब पढ़ता है वहां पर बजाया हुआ चिन्ह आपको मालूम है ना, थोड़ा एक दो पढ़ना। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो, मैंने तुमसे सच कहा हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न टूटेगा और ढाया न जाएगा जब तक वह जैतून पहाड़ पर बैठा था। तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाई और लड़ाई उनकी चर्चा सुनोगे तो घबराना न जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। देखा ये पीड़ाओं का आरंभ है, पीड़ा शुरू हो गया तो फिर ज्यादा देर लगता है क्या? नहीं, देखो बोलने का मतलब प्रभु ने कहा हुआ एक एक शब्द कितना करेक्ट है प्रियो है। 2,500 साल पहले यीशु मसीह ने बताया बात है, पहला बात यरूशलेम का विनाश के बारे में था, वो तो प्रभु ने कहने के बाद 40 साल के बाद में तीतुस कैसर ने आकर के यरूशलेम मंदिर को आग लगा करके नष्ट कर दिया, ये तो चरित्र है सबको मालूम है। फिर प्रभु बोलता है मेरे नाम से मसीह बोलकर आएगा, मसीह मीन्स अभिषिक्त है, मैं प्रभु की अभिषिक्त बोलकर के आकर के लोगों को भरमाएगा। देखा गिफ्ट शिक्षण देने वाला लोग बहुत खड़ा हो जाएगा,
आज कितनी प्रकार का झूठा शिक्षणों में लोग फंसते जा रहे हैं। रियो लड़ाई, अकाल, बीमारियां, सारे सारे बात जैसे प्रभु ने बोला ये एकदम प्रसिद्ध शुरू हो गया है। बोले का मतलब तुमका प्रकट आगमन का समय आ गया। प्रकट आगमन से 7 साल पहले हमें जाना है, इसका मतलब हमारा इधर से जाने का टाइम कितना निकट है, कितने लोग समझेंगे प्रभु की बात है। यह वचन बदलेगा नहीं प्रियो, प्रभु ने कहा वो वचन जैसा कहा है वैसा ही होने वाला है ना। मैं इसलिए प्रभु को वचन के प्रति प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमें इतना मूल्यवान चीज हमारे हाथ में और वो भी हमारी भाषा में मिल गया है ना। हम लोग कितना धनी लोग, एक समय में मान अपने पुरखों की समय में या उससे पहले के लोग पढ़ा लिखा भी नहीं था है ना। उनको अपना भाषा मराठी भी पढ़ने वाले लोग शायद अपना ग्रैंडफादर को देखेगा तो शायद वो लोग नहीं पढ़ सकता। लेकिन आज प्रभु ने हमें कई हमारे जानने वाले भाषा में बाइबल पहुंचाया है। आखिरी समय में प्रभु ने हमारे ऊपर कितना बड़ा दया प्रकट किया, इसको परिभाषा करने के प्रति कितने लोगों को बलिदान होना पड़ा है, कितने लोगों का जान निकल गया, कितने लोगों को मरना पड़ा। लेकिन प्रभु का प्यार में वो लोग सब वो प्रेम से किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज भी जब प्रभु का वचन हमारे पास आता है तो वो वचन के सामने अपने जीवन को परखना चाहिए है। आज भी प्रभु आएगा तो मैं प्रभु के साथ जाएगा क्या, क्योंकि प्रभु किसके लिए आ रहा है, प्रभु का मंडली के लिए आ रहा है ना। मैं मंडली का सदस्य है क्या, मेरा उद्धार हुआ है क्या, मैं प्रभु का जीवन पाया है क्या है, आज प्रभु यीशु मसीह मुझ में है क्या, ये बात जानना चाहिए। यदि प्रभु मेरे जीवन में नहीं, मैंने प्रभु की आत्मा नहीं पाया, मैं प्रभु का जन नहीं है, तो प्रभु के आगमन में मुझे क्या लाभ। इतना भयंकर बात है, हरेक लोग जो भी वचन सुनता है वो लोग ये परखना चाहिए, मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, मेरा नाम जीवन का किताब में है कि नहीं, मुझे आज जीवित आशा है क्या, मैं प्रभु का वचन सुनने के समय में मेरे दिल में एक तड़प बैठ रहा है कि नहीं प्रभु के लिए, क्योंकि समय अभी ज्यादा नहीं ना। हरेक लोग मैं आपको बोलता हूँ अंत समय में हमें कैसा रहना चाहिए करके बार बार चेतावनी है। जब पत्रोस भी बोले कि पत्रोस ने बोला पहले पत्रोस 4:7-10 देखा, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला। देखो शब्द पढ़ने के टाइम पर ही हमको क्या लगता है, हमको एक झटका लगता तो तुरंत होने वाला, तो हमका हमारा कर्तव्य क्या। इसलिए संयमी होकर देखा प्रियो है, मैं पिछले दिनों में भी प्रार्थना के विषय में आपको कई बात बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग माना अंध तुरंत होने वाला है, इसी कारण हम लोग प्रार्थना के लिए सचेत रहना बोलेगा। तो हमें प्रार्थना का एक बोझ चाहिए, प्रार्थना का एक दर्शन चाहिए, प्रार्थना के प्रति एक मतलब जिम्मेवारी समझ करके करने वाला एक अनुभव चाहिए। इतना बड़ी बात है, प्रार्थना के लिए सचेत रहना। और सब में श्रेष्ठ बात यह है एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। देखा मतलब अंत तुरंत होने वाला है, प्रार्थना करना चाहिए, और उससे भी श्रेष्ठ बात है एक दूसरे से अधिक प्रेम करना। देखा आप देखिए प्रार्थना करना जरूरी बात है, और उसे भी जरूरी बात है हम एक दूसरे से अधिक प्रेम करना। देखा पहले जो प्रेम करता था पहले मिलने के टाइम पर हेलो, अभी क्या करना हेलो हेलो एक अच्छा मुस्कुराहट के चेहरे के साथ प्यार से मिलना, प्रोत्साहन करना है, प्यार बहुत बड़ी बात है। हमें मसीह प्यार देते हुए लोगों को प्रोत्साहन करके हमें प्रभु के लिए तैयार रहना है, और आगे थोड़ा क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाक देता है, बिना कुड़कुड़ाए देखा एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, एक दूसरे का जो भी घर में आएगा उनको जरूर पानी भी पिलाएगा तो प्रतिफल है, वो भी पिलाएगा तो ज्यादा प्रतिफल फ्रेश रहो तो बहुत बड़ी बात है। उसके साथ आओ खाने के लिए भी दे गया तो उत्साह से करो, जो भी करता है आनंददा के लिए करो है ना, प्रभु की उस प्रेम में करो है ना, प्रभु का महिमा के लिए करो है। हरेक लोग प्रियो दूसरे की सेवा के लिए,
दूसरे को मतलब सरकार करने के लिए हमेशा तैयार कर तैयार रहना है ना। जब मारो वो बात रोमियो में भी लिखा है 12:13 में, रोमियो 12:13 देखा, भवनाई करने में लगे रहो, भवनाई करने में लगे रहो। कोई भी आता है तो तुरंत उनका भवनाई करने के लिए तैयार रहना पड़े है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब मैं आज एक घर में जाता ना, सबसे पहले भवनाई करने में नंबर वन तेज कौन है मालूम है? हरपण। देखा, देखो हरपण, हरपण तुरंत जाकर के ग्लास लेकर के पानी लेकर के ला करके देता है, और वो दिया तो ना पीने का सवाल ही नहीं। वो इतना प्रेम से लाकर देता है, मैं आपको क्या बताऊं। देखो ना, किसने पैदा ही नहीं उसको, खुद करता है। क्या मालूम अभी मम्मी ने इसे सिखाया सिखाया होगा है, लेकिन वो बोलता नहीं, बोलते पना पहले वो लेकर आता है। गुड बॉय है, देखा, इतना छोटा बेचा, इतना समझदार है आने वालों को, अभी से प्रतिकूल पा रहे हो। मेरे दास समझी ने एक बार पानी पिलाएगा तो प्रतिबंध नष्ट होगा, नष्ट नहीं होगा वो। देखा, बाकी लोगों से भी वो पहले नंबर का मतलब मार दिया। देखा कितना अच्छी बात, तारीफ करना चाहिए, बहुत बड़ी बात। ऐसा बड़े लोग करते हैं तो अभी मनु करता है, लेकिन बड़ा है वो, अकबर के सामने बहुत बड़ा है। लेकिन वो भी कोई खराब बात नहीं, अच्छी बात। मैं बोलने का अर्थ क्या है कि हरेक लोग ये बात का जिम्मेवारी समझना है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का काम हमें उत्साह से करना, और तो आगे पढ़ना। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के खुले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगा ले। देखा, मतलब प्रभु में आया हुआ हरेक लोगों को मैं पिछले में बार बार बोला हुआ बात है, दूसरे के प्रति उस सेवा करते हुए उनकी आत्मिक उन्नति चाहते हुए कार्य करने का टाइम है प्रियो, अभी बहुत उत्साह से करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी ये जो अवसर हमें प्रभु ने दिया इसको कभी नष्ट नहीं देना करना प्रियो, क्योंकि ये बहुत मूल्यवान समय, और हम लोग उड़ा ले जाने वाला पीढ़ी है, कभी भी तुरंत भूकेगा। आज भी शायद इस संगति के बीच में भी प्रभु का आगमन हो सकता है, हमें तैयार रहना है। तो आपको बहुत सहायता करे, हम लोग मतलब उस विश्राम में प्रवेश करने के विषय में हम लोग कल देख रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ हरेक बातों में प्रभु का वचन हमें कितना सहारा देता है, हमें वो वचन उसका गहराई में उतरने के लिए बहुत दृष्टांत दिया। उसमें हम लोग देख रहा था इसराइल क्यों नहीं उस विश्राम में प्रवेश किया, उसका कारण हम लोग देख रहा था। आपको याद है कल का विषय, आप भूला नहीं है। मैं रिविजन करने के लिए वापस जाने के लिए अपने को इतना टाइम नहीं, इसलिए आगे ही बढ़ना चाहूंगा। तो उसमें दो कारण हमने देखा था, एक आज्ञा न मानने कारण, दूसरा उनका हृदय कठोर किया है। और तीसरा बात क्या है, तीसरा बात पहला कुरिन्थी 10:5 में, परमेश्वर उनमें से बहुत से प्रसन्न न हुआ इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। देखा के मतलब क्या है प्रियो, प्रभु के चुने हुए लोग प्रभु को प्रसन्न करना हमारे कर्तव्य था, हमारे कर्तव्य है प्रियो। प्रभु में आने के बाद में हर एक बातों में प्रभु को प्रसन्न करना है, हमारे जीवन कैसे होना चाहिए, प्रभु को प्रसन्न करके जीना चाहिए प्रियो। उदार पाए वालों को भी एक बात पूछना चाहता हूं, आज अपने जीवन से प्रभु प्रसन्न है क्या है? जो व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न करके चलेगा, मैं आपको कई बार बताया हुआ एक बात है, गुप्त में उड़ा ले जाने वालों का छाया कौन है? अनुप। देखा, गुप्त में उड़ा ले जाने वाला लोगों का छाया अनुप है। अब देखिए अनुप के जीवन में क्या हुआ, इब्रानियों 11:5 उसकी 5 बजे उसकी यह गवाही दी गई थी उसका ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न
क्या गवाही पे है? उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, प्रसन्न किया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमें हमारा जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है, मेरा हरेक बातों में, हरेक कामों में मेरा प्रभु प्रसन्न है कि नहीं, ये बात को जानना है। प्रभु को प्रसन्न करना प्रियो। यदि मैं काम किया अगर प्रभु प्रसन्न नहीं है, अभी काइन में उसका बेली में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ है, प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। प्रियो, आज हम जो भी काम करता है, पहली बात हमारे में प्रभु प्रसन्न होना चाहिए, दूसरी बात हमारे कामों में प्रभु प्रसन्न होना चाहिए। आज ये बात को परखना प्रियो, क्योंकि ये सब बात आपको मालूम है। हम लोग सब 43:21 देखा, जिस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया वो मेरा स्तुति करेगा, मतलब मेरा मुझे प्रसन्न करेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज मंडली जीवन में आने के बाद में उधार पाया हुआ हरेक पवित्र लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रियो, हम प्रभु को प्रसन्न करें ना, प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन। आज मेरा जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन है क्या, ये बात को हमें परखना है। देखो, एक समय में हम प्रभु से दूर थे, वो बात अलग है, परंतु आज प्रभु को प्रसन्न करने वाला कार्य हमारे में होना चाहिए। जब एफेसियों का पत्री 5 अध्याय है, उसका 7-10 पढ़ना, एफेसियों 5 अध्याय का 7-10। देखो, तुम पगले अंधकार थे, इसलिए अभी भी उस अंधकार में रहने वालों का सहभागी नहीं होना, उनकी रीति नहीं अपनाना, उनका चाल नहीं चलना, उनके साथ नहीं मिलना। आगे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अभी कौन है? अभी प्रभु में अब ज्योति है। देखिए कितना अनमोल बात है प्रियो, हम प्रभु में ज्योति है। आज हमारे जीवन में ज्योति में है, उसे बढ़कर के वचन कहता है कि अभी तुम ज्योति है। देखा है, यहां पर रुक करके बाकी भी पढ़ना है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने अपने चेलों के बारे में क्या बोला था, मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन, देखा तुम जगत की ज्योति हो। देखा है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला प्रभु के भक्तों के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहां पर गवाही देता है, तुम जगत का ज्योति हो, है तुम जगत का ज्योति है। देखा प्रियो, वास्तव में आज हम प्रभु में है तो हमारे जीवन में बिल्कुल लोग हमारे में मसीह को दिखना ही चाहिए। तुम जगत का ज्योति हो, जाना योहन्ना 8 के बारे में प्रभु ने क्या बोला था, और भी है ना, देखा जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में नहीं चलेगा, देखा जीवन का ज्योति पाएगा, जीवन का ज्योति पाएगा, कभी बुझेगा नहीं। जीवन का ज्योति का बात क्या है, कभी बुझेगा नहीं, वो जलते ही रहेगा, है ना। आज एक जलते रहने वाला अनुभव हमारा है, प्रभु दिया हुआ वो ज्योति जल रहा है या बुझ गया। हम जलते रहने वाला अनुभव कब होगा, फिलिपियों 2 अध्याय का 14-15 वचन, फिलिपियों 2 अध्याय का 14-15 वचन बराबर पढ़ रहा है, मैं लिखने वालों के लिए बोला, सब काम बिना कुड़ाई और बिना विवाद की किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। देखा, जलते दीपकों की नाई दिखाई देने के लिए अलग किया हुआ लोग है प्रभु के लोग, है ना। प्रभु के लोगों को पकड़ करके कैदी बनाया, बंद किया, स्वर्गदूतों ने आकर के उनको खोल दिया। स्वर्गदूत ने क्या बोला,
देखो हम नहीं कर सकता ऐसे सेवा तुमको भी ऐसे तुम करो है ना। प्रेरित लोगों का हम 5 अध्याय का 20 हो जाते मंदिर में खड़े होकर जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ है ना। देखा स्वर्गदूत ने उनको आजाद किया और बोला कि तुम लोग जा, क्योंकि हमको अधिकार नहीं है इसलिए तुम लोग जाकर के क्या करना। ये जीवन का वचन कौन सा वचन हमारे हम देता है जीवन का वचन। ओह दुनिया में कौन सा किताब में मिलेगा प्रभु जीवन का वचन सत्य वचन जीवन का वचन पवित्र वचन। ये दुनिया में और कोई भी किताब में नहीं, ये परमेश्वर का किताब में बाइबल में मिलेगा। ये बाइबल का खूबी है ये जीवन का वचन। तो प्रभु हमें ज्योति बनाया, हमारे में उस ज्योति का कार्य होना बहुत जरूरी बात है। प्रभु का महिमा हमारे जीवन से अगर नहीं हुआ, प्रभु अगर प्रसन्न नहीं हुआ, प्रभु को अगर हम प्रसन्न नहीं कर पाया, प्रियो जिंदगी कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। एक ही चांस है। तो ज्योति के संधान की नाइन चलना, तो वहां पर एफेसियों में वापस आना। ज्योति का फल देखा, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार का भलाई और धार्मिकता, धार्मिकता और सत्य है। सत्य है। देखो ज्योति का फल, जैसे हम लोग आत्मा का फल बोलता है ना, आत्मा का फलो बोलता है नहीं बोलता, फलो नहीं, बहुवचन नहीं, एक वचन, एक वचन है। इसी प्रकार ज्योति की फलो नहीं, ज्योति का फल। देखा ज्योति का फल क्या क्या है, सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार का भलाई। बोलेगा तो हमारे में भलाई के अलावा बुराई नहीं होना चाहिए, सब प्रकार का भलाई। आज के दिन को परखो, आज हमें प्रभु ने भलाई करने के लिए कई मौका दिया, हम भलाई करते रहा या कुछ बुराई भी आया, एक ही स्रोत में से दो किस्म का पानी नहीं बहता। जो सब प्रकार का भलाई, हम ज्योति में चलने वाला है, हम जगत में ज्योति है, प्रभु ने हमें ज्योति बनाया, ज्योति का फल है। इसको मतलब इस रीति में हमें अपने आप को पहचानना है, और हम सही रीति में प्रभु को फल दे रहा है तो प्रभु हमारे में आनंद दे। सब प्रकार का भलाई, आप देखो प्रभु ने हमें नया सृष्टि किया, किस लिए किया, एफेसियों के पत्र उसका दूसरा अध्याय का 10 वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। देखा उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। वाह वाह वाह, हमारे लिए कुछ काम प्रभु ने पहले से ठहरा कर रखा। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस छोटा सा जीवन में हम अपनी जिम्मेवारियों को ना जान करके जीवन बिताएगा तो कितना धोखा हो जाएगा, प्रियो कितना धोखा हो जाएगा है? प्रभु में आने के बाद में हम हरेक लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में आप जो आलोचना सुन रहे हैं ना, ये प्रभु की आलोचना है। प्रभु की आलोचना अगर आप उसको अमल नहीं करता है तो प्रभु का दिल को बहुत दुख है। शायद आपका एक छोटा प्रोत्साहन के द्वारा कई लोग उधार पाएगा, लेकिन आप करता ही नहीं, प्रभु को कितना दुख रहेगा, कितना दुख रहेगा। प्रभु हमारे जीवन में हमें जरूर परखना है। आज प्रभु ने हमें उन भलाइयों के लिए सृजा, कौन कौन सा भलाई है वो काम हम कर पा रहे हैं क्या, नहीं करेगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा है ना। हमें यह बात को परखना है, हम उन भले कामों के लिए सृजा गया है वो भले कामों के बारे में हम समझता है क्या है? आज आत्माओं का बोझ, आत्माओं का जिम्मेवारी हमको दिया है, आत्माओं को जीतने का एकमात्र मार्ग है हमें सुसमाचार का गवाही देना है। इतना एक बड़ा धन प्रभु ने हमारे हरेक का हाथ में दिया है, और जो कितने लोग इसको देता है, वजन जब देता है तो हम ज्योति की नाइन दिखाई देगा, कितना बड़ी बात है। इतनी लोग ये ज्योति देख करके मानव ज्योति के पास आएगा, बहुत बड़ी बात है। अभी अपने को देखना है ज्योति के फल, जैसा अभी आत्मा का फल, आत्मा का फल बोलो बोलेगा तो सब लोग बोलेगा, पर तो आज के दिन में कितने लोगों ने आत्मा का फल परखा, परखा है आत्मा का फल बोलो बोलेगा तो इधर ही बैठा हुआ तकरीबन सब लोग भाई हाथ बोलेगा, और तो आज भी आत्मा का फल अपने जीवन में है कि नहीं परखा,
नहीं पर कहना हमको जानकारी काफी है क्या? नहीं, जानना और मानना भी है। प्रियो, हमें हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? इस एक ही मात्र जीवन में हमें किसी प्रकार भी, पेट्रस पौलुस का शब्द आपको मालूम है, दूसरा कुरिन्थी 5:9 हमारा मन की उमंग ये है, हम उनको प्रसन्न करते रहे, हम प्रभु को प्रसन्न करते रहे। आप हमारा कर्तव्य हमेशा हम प्रभु को प्रसन्न करना, बोलेगा तो प्रभु का प्रसन्नता का मार्ग में हमें चलना। प्रभु जिन बातों में प्रसन्न नहीं वो काम हमें कभी नहीं करना, जिन बातों से प्रभु को नफरत है वो काम हमें नहीं करना, जिन बातों में प्रभु को आनंद है वो काम हमें कितना भी तकलीफ उठाना पड़े हमें करना है। कितना बड़ी बात है। तो आज इसराइल के लोगों के जैसा हमारे जीवन नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने प्रभु को प्रसन्न नहीं किया, प्रभु को प्रसन्न ना करने के कारण उन लोग वायदा के देश में नहीं गया है। हनोक ने अपने जीवन में प्रभु को प्रसन्न करके प्रभु के साथ चला, वो सिर्फ 300 साल चला ऐसा नहीं, प्रभु को प्रसन्न करके चला, इसलिए प्रभु ने उसको उठा लिया। प्रयोग ऐसा आज हमको 300 साल चलने के लिए नहीं मिलेगा, हमें प्रभु में आने के बाद बहुत थोड़ी समय मिलेगा, पर वो थोड़ा समय हम प्रभु को प्रसन्न करके चलेगा तो गुप्त आगमन में हम उड़ा लिया जाएगा। अभी आज जरूर परखना, मेरे जीवन में प्रभु को प्रसन्न करके चल रही है, आज प्रभु मुझ में मेरा आनंद दे क्या, ये बात को जानना है। प्रभु को प्रसन्न करना है, कैसे प्रसन्न होगा? जब योहन्ना 17:4 में यीशु मसीह पिता को कहने वाला वो शब्द में वो प्रसन्नता का बात का एक और दिशा आप समझ सकता है। देखा, प्रभु का महिमा किया, प्रभु को महिमा किया, मैंने से प्रभु को प्रसन्न किया, प्रभु को प्रसन्न किया है। प्रभु को आपको मालूम है, मतलब मत्ती 3:17 में प्रभु का शुरुआत, प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा निभाने के लिए करीब 30 साल की उम्र में जब आगे आया, उस समय में स्वर्ग से क्या वाणी हुआ? देखो यह आकाशवाणी, मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्या बात है! इसका मतलब यीशु मसीह का 30 साल तक का जीवन कैसे था? पिता को प्रसन्न करके जीवन था, है ना? स्वर्ग गवाही दिया, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। कभी अपने जीवन में प्रभु से यह बात का गवाही या आवाज सुन पाया है? प्रभु हमारी जीवन से, हमारे कामों से प्रसन्न है क्या? और 3.5 साल का सेवा के एंड में, एकदम एंड में स्वर्ग गवाही दिया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्या गवाही दिया? मत्ती की 17:5 देखा, जिससे मैं प्रसन्न हूं। वाह, कितना बड़ी बात है। इसका मतलब यीशु मसीह की पूरा 33 साल का ये जीवन की यात्रा बिल्कुल पिता को प्रसन्न करके जीवन यात्रा था। हमारे भी जीवन में हमें यह बात को जानना है। प्रभु यीशु मसीह ने पिता को प्रसन्न करके जीवन यात्रा किया, प्रेरित पौलुस अपने जीवन में अनेक बातों में प्रभु को प्रसन्न करके जीवन यात्रा किया। तो आज हमारे जीवन कैसा है? हमें कोई जिम्मेवारी नहीं, जिम्मेवारी है प्रियो, हमारे काम है हम प्रभु को प्रसन्न करें, प्रभु का हमारे लिए बताए हुए बातों को हम उत्साह से करें, प्रेम से करें, प्रभु की इच्छा जान करके उसकी इच्छा में पूरा करना, प्रभु को प्रसन्न करना प्रियो। तो इस्राएल लोगों ने प्रभु को प्रसन्न नहीं किया, प्रभु प्रसन्न ना होने के कारण उनको वायदा के देश में उस विश्राम में प्रवेश करने का मौका नहीं मिला। आज भी बहुत लोगों के जीवन में उस विश्राम का अनुभव क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रभु को प्रसन्न नहीं किया।
प्रभु को प्रसन्न करके जीवन नहीं बिताता, वो आत्मा में नहीं चलता, वो आत्मा में मन नहीं लगाता, वो और बातों में मन लगा करके वो उस विश्राम में प्रवेश करने का अनुभव से वो वंचित है। अपने आप को परखना पड़े, आज मेरे जीवन में आज मेरे प्रभु प्रसन्न नहीं किया। प्रभु प्रसन्न रहेगा तभी हम सच्चा आनंद रह पाएगा, है ना। मैं प्रभु उधार पाया बोलने से, मैं बपतिस्मा लिया बोलने से, मैं संगति में जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ, परंतु हम प्रभु को प्रसन्न नहीं किया तो प्रियो हम प्रभु का आगमन में बुढ़ा लिया नहीं जाएगा। प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन, मैं इसलिए आपको मतलब बताना चाहता हूँ, मतलब बहुत लोग मतलब एक विजय जीवन बिताने में उनको उत्साह नहीं है प्रभु को प्रसन्न करना। और चारवा बात क्या है, इतने लोग क्यों प्रवेश नहीं कर पाया, एक और कारण पहले कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय का 6-7 वचन। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत है कि जैसे उन्होंने लालच किया क्या हुआ, लालच। देखा कई बातों में लोग लालच करता है, वो लालच उनको डुबा दिया है। कितना भयंकर बात है ना, लालच लोगों को डुबा दिया। आखान ने लालच किया, क्या किया, योशुआ 7:21। देखो मतलब प्रियो कितनी प्रकार लोग लालचों में फंस जाता है। जब मुझे दूध में सिंगार देश का एक सुंदर ओटा और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की भीड़ देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके देखा, वहां पर शब्द आया ना, मैंने लालच किया। देखो तो लालच क्या करता, वायदा का देश में या विश्राम में प्रवेश करने में उनको वादा आता, रुकावट आता है। प्रियो आज मतलब हमारे जीवन में हम कभी भी कोई बातों पर लालच करता है क्या? लालच करना हमारे लिए मतलब प्रभु के आगमन में उड़ाने जाने से बढ़कर के यहां पर वो बात को अनुभव कर पाएगा कि वो एक सच्चा शांति के हमारे जीवन नहीं बिता पाएगा, लालच उसको डुबा देगा है, लालच कर दिया। इसराइल के लोगों ने लालच किया, वो लालच उनके जीवन में आखान को, उनका पूरा परिवार को है, उनको मृत्युदंड मिला। इतना दुखदायक बात है प्रयोग, हमें कोई भी बात होगा लालच है क्या, हमें बात को परखना है। लालच हमें मतलब उस विश्राम में रहने से वंचित करेगा। पांचवी बात क्या है, उसकी 7 वचन का बी पाठ, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 7 वचन का बी पाठ लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, हाँ नहीं मतलब मूर्ति पूजा स्टार्टिंग में, सॉरी आपका स्टार्टिंग में, हमारा लास्ट में, ओके देखा मूर्ति पूजक बना। मतलब कई प्रकार का मूर्ति आज लोगों के जीवन में है ना, हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का मूर्ति मतलब ना रहे। मूर्ति पूजा करने वाला कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएगा ना। आपको मालूम है जब बेतेल में जाने के लिए जब याकोब को आज्ञा मिला, याकोब अपने परिवार को खाने वाले एक शब्द आपको याद होगा, उत्पत्ति 35 अध्याय में उसका 3-5 तक का वचन पढ़ रहा, जितने पराये देवता उनके पास थे, जितने कुल्ले उनके कानों में थे, उस सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस पांच वृक्ष के नीचे शेकेम के पास से काट दिया। देखा मतलब क्या है प्रियो, हम लोग देखते हैं कि लोग जिस प्रकार भी अपने आप को सजाता है वो सब एक मूर्ति है। इसलिए बोलते हैं ना, अपने शरीर को मूर्ति ना बनाओ। आज जो लोग लिपस्टिक लगाता है, नेल पॉलिश लगाता है, आभूषण पहनता है,
है ना, इधर उधर सब सुना। अरे अगर आपको ऐसे आभूषण भी पहनाना है तो प्रभु आपको बनाकर भेजने के टाइम पर प्रभु सुराख भी डाल देता। आप इतना तकलीफ डाल करके सुराख डालने का क्या जरूरत था? परंतु मुझे प्रभु ने दिया हुआ सुंदर कम हो गया, इसलिए मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा। रसी को गांठ डालेगा तो कैसे रहेगा? सीधा रहेगा, साफ रहेगा, नहीं है ना, मोटा रहेगा ना। तोड़ दिया, प्रभु ने दिया वो बातों को बिगाड़ दिया। कई लोगों का शक्ल देखेगा तो खाने का दिल नहीं आएगा, इतना लिपस्टिक लगा करके क्या क्या लगा करके चलता है। मैं आपको कई बार बोला, कई लेडीज लोग है ना अभी विश्वासी होंगे, अभी पाव में घुसना शुरू हो गया जिंजलो। हाँ मैंने देखा नहीं देखा, लेकिन किसी ने देखा, मेरे को बोला अपना भी मंडली में विश्वासी पाव में जिंजलो बनता है। देखो समझी है ना, ऑफिस में काम करने वाले लोग भी काम छोड़ देते हैं। परे परे बोलता था कि रात के समय में जिंजलम जिंजलम का आवाज आता है तो भूत चलता है, भूत चलता है। मेरे जीवन में हुआ ऐसे बात। एक बार मैं छुट्टी गया, छुट्टी आने के टाइम पर क्या हो गया, उधर एक जादू टोना दार व्यक्ति था। वो व्यक्ति ने रात को 12 बजने के बाद में, अब उधर क्या गांव में क्या हो कि 6-7 बजे लोग खाना खाकर सो जाता है, ये 12 बजे के बाद में एक काला कुत्ता और कुत्ता का गले में गड्डी बांधेगा। और ये कुत्ता का स्वभाव क्या है, पड़ोस में घरों में जाकर के उधरी हो उनकी कुत्ता के लिए लगा हुआ खाना, ये खाने का तो खाने के टाइम में क्या होता, आवाज आता है ना घंटी की आवाज आता है, पूरा देश डरा हुआ है। लोगों को उन्होंने क्या बताया, इतनी भूत चलता है रात को, देश में भूत बाधा है, बेचना है तो बेचना लाओ। देखो है? अभी मतलब मैं छुट्टी पर गया हुआ था, सो रहा है, सोने के टाइम पर रात को 12-12:30 बजे कुछ आवाज ही, क्या है, मेरे मम्मी और मेरे छोटा बहन दोनों आपस में बात कर रहा है, वो जा रहा है क्योंकि इन लोगों को बोल, ये लोग उधार नहीं हुआ, ये लोग बाहर नहीं, ये लोग उन्होंने कहा वो बात विश्वास किया। मतलब इनका आवाज सुनकर मैं उड़ गया, बोले क्या बात है, बोला भूत, अभी मैं पहली बार सुना ऐसे कुछ बात उधर ही हो रहा है करके, मेरे को भी नहीं मालूम, बोला भूत। देखा आवाज आ जाए ना, एक मतलब घंटी, ये ना ये कुत्ता दौड़ने के टाइम ये तो ये चलता हिलता है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, आज भूत से मिलते तुरंत। मतलब उस समय में एक मैं मतलब चाकू वाला फेंकता था, मतलब विश्वास में तो भी मेरे को एक्सपीरियंस था। मैं बोला भूत को चाकू से डर है, भूत है ना, उस रीति में नहीं मैंने लिया, मेरे को मालूम पड़ा ये कुछ चालाकी काम है। तो मैंने एकदम धीरे से मैं बोला अभी आप लोग सो ही जाओ, कोई बात नहीं। मैं घर से बाहर आया और जहां मेरे आवाज सुना मैं वो आवाज के पीछे भागा। भागने के टाइम पर वो ऐसा भाग करके एक घर के ऐसा दूसरे साइड में गया, मेरे को आवाज आ रहा है उधर ही वो रुका हुआ है, क्योंकि उधर ही कुछ खाना खा रहा है, खाना मिल गया उसको। तो अभी कुत्ता है करके उस टाइम पर नहीं मालूम, परंतु मैं वहां पर जा गया, वो लेच्छे लगा करके मैंने उसको फेंका तो एकदम मतलब रात को है तो भी लेच्छे घुसरा नहीं, उस पर जाकर के जोर से अंदर गए, फिर वो सीधा अपने घर में गया। मैं उधर गया तब मतलब वो व्यक्ति उधर ही मतलब उस समय में भी कुछ कर रहा था, उसको पकड़ा फिर बहुत बड़ा बात हो गया। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, मतलब अगर सभी को मालूम पड़ गया ये व्यक्ति का एक काम था है। देखा कहे कितना प्रकार का धोखा है प्रियो, है झूठ बात, धोखा का बात प्रियो। हमें ये बात को जानना है कि अगर हमें सच्चाई का ज्ञान है तो हम ऐसा कोई भी बातों से नहीं डरेगा है। मेरे ख्याल में नासिक बोलेगा तो
दुष्ट आत्माओं का एक हेडक्वार्टर है, वहां पर भी हम लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। एक बात मैं आपको बताया ना, मतलब एक बार एक जादू टोटागार व्यक्ति का घर में गया, वो अवृत सुसमाचार सुनाते सुनाते उसका हालत बदल गया। मैंने क्लियर उस पे दुष्टात्मा को देखा। वो मेरे को बोलता है वहां पर एक गोबर का गट्टा था, बोला तुमको उड़ा करके वो गोबर का गट्टा में उड़ा कर डालूंगा और तीन लात मारूंगा। मैं बोला ये अवृत मेरे को अभी वो गट्टे पे डालेगा और तीन लात मारेगा है? अभी मेरे को उसका उत्तर आता नहीं। मेरे को तो प्रभु की आत्मा में मिला हुआ उद्धार के आनंद बांटने के लिए निकला, पर उस समय में मुझे वजन का इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन एक बात पक्का है, मत्ती 10:20 में क्या लिखा, मत्ती 10:20 में बोलने वाला तुम नहीं हो, तुम्हारे पिता की आत्मा, देखा तुम्हारा पिता की आत्मा तुम्हें बोलता है। अभी मैं अभी उसका आवाज सुना, मैं ये बात सुना, मैं बोला प्रभु इसको अभी क्या सुसमाचार सुनाऊं, इसको क्या उत्तर दूं? तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है, मुझे उस समय में वो वजन नहीं मालूम था कहां पर है, पर जो मेरे को माधु में मालूम पड़ा। मैंने बोला वो बात क्या है, जो तुम में है उसे बड़ा मुझ में है। क्या बोला? जो तुम में है उसे बड़ा मुझ में है। अभी मुझे मालूम वो वजन कौन सा है, पहला योगना 4:4 क्या लिखा है उसमें? जो तुम में बड़ा है, जो ये संसार में उससे भी तुम में जो है बड़ा है। जब प्रभु हमारे साथ है तो वो बात का एक समझ रहेगा। अभी इसराइल लोगों में भी लोग जानते थे, पर जो जब वायदा का देश जाकर के देख करके आया तो उनमें से लोगों ने 10 लोगों में यीशु प्रभु दिखाई नहीं दिया, उधर का दान लोग दिखाई दिया। और जो 2 लोगों ने बोला, योशुआ और कालेब ने बोला नो, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमको देश देगा, प्रभु देगा। बात हो है प्रभु देगा, हम अपनी ताकत से विजय पाएगा ऐसे बोला नहीं, नहीं, नहीं। गोलियत के सामने जाने के टाइम पर दाविद ने क्या बोला, आज यहोवा तुझे मेरे हाथ में देगा। क्या बोला? जब पहले शमूएल उसका 17 अध्याय का 47 है, देखना 47 45 से 47 का बीच में देखना। आज का दिन यहोवा कौन सा 46 में देख, देखा यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। देखा छोटा बालक है, गोलियत कौन है, इतना लंबा चौड़ा भारी बात लेकर क्या रहा है प्रियो? दाविद नहीं डरा, दाविद बोलता है मेरे साथ कौन है, वो तुझे मेरे हाथ में देगा। मेरे साथ और एक महान व्यक्ति है। ओ अपन कहीं भी जाता है ना, अपने ये बात कभी नहीं भूलना, क्योंकि प्रभु ने हमको क्या बोला, तुम जहां पर भी जाएगा मैं तेरे साथ हूं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। वो हमारे साथ है भी। जरूर हमको हमारा इस नजरों से हम कई बात देखने के टाइम पर हम लोग घबरा सकता है, पर जो प्रियो हमें प्रभु का वचन के द्वारा ये प्रकाश पाना चाहिए, है ना? क्योंकि हमारे प्रभु कोई मूर्ति नहीं, हमारे प्रभु कोई मूर्ति नहीं, हमारे साथ चलने वाला है, हमारे साथ चलने वाला। ओह इतना बड़ी बात है ना, प्रभु हमारे साथ है। कितने लोगों को विश्वास है प्रभु मेरे साथ है, है ना? भैया ये सिर्फ इधर ही बैठने के टाइम पर नहीं, कहीं जाएगा तभी भी है प्रभु, प्रभु अपने साथ है। इसलिए हम कभी भी कोई भी प्रकार का मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना। यदि हम आप देखो जब पूर्व से आया हुआ वो ज्ञानी लोग जब यीशु मसीह से भेंट करने के लिए जब आया, तब यीशु मसीह कहां था? गौशाले में? गौशाले में नहीं, कहां पर था?
उस समय भी मरियम का गोद में बैठा हुआ था, अभी भी क्रिसमस मनाने के टाइम पर पूर्व से आने वाला ज्ञानियों का चित्र बना करके गौशाला के सामने रखा है। गौशाला में था क्या? नहीं, बात समझ में आ रहा है? यीशु मसीह जन्म होकर के करीब 2 साल हो गया, 2 साल का बेचा उस समय में उन लोग पहुंचा, इसलिए हेरोदा ने 2 साल का नीचे का सारे बालकों को खत्म करने के लिए आज्ञा दिया। वो गडरिया उन लोग जब गया था उस समय में गौशाला में था, पर जो पूर्व से आया वो लोग आया उस समय में यीशु मसीह कम से कम 1.5-2 साल का बेचा था, कहां बैठा था? मरियम की गोद में। उनको देख करके है ना, मत्ती दूसरा अध्याय का 10-11-12 उस घर में पहुंचकर देखा उस बच्चे को, नहीं उस बालक को देखा, उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, देखा मरियम के साथ है, मरियम के साथ गोद में बैठा हुआ है, मरियम के साथ देखा, मरियम को दंडवत किया नहीं, नहीं है ना, मरियम को दंडवत नहीं किया है। उन लोगों ने देखा, बालक को प्रणाम किया। आज भी बहुत हमारा रोमन कैथोलिक भाई बहन लोग समझता नहीं, पादरी लोग भी नहीं समझता, बिशप लोग भी नहीं समझता, उसके आगे जाकर के पोप भी नहीं समझता, नहीं तो ये मानव पिक्री या मूर्ति पूजा नहीं करता था, है ना। कितना बड़ा दुख भरा बात है प्रियो, आराधना के योग्य एकमात्र व्यक्ति वो हमारे यीशु मसीह है। बॉम्ब पूर्व से आया हुआ लोगों ने पूछा भी क्या था, यहूदियों का राजा होकर जन्मा हुआ वो बालक कहां है? देखा वो जन्म से कौन है? ये दुनिया में ऐसे कोई जन्मा नहीं, जन्मा प्रिय, ये दुनिया में हमारा मसीह जीवन की एक खूबी वो है, दुनिया के जो भी लोग है छोटा से बड़ा बनता है, पर तो मसीहत का खूबी क्या है? बड़ापन से छोटा बनता, इसलिए प्रभु बोला छोटा बनो, छोटा बनेगा तो उतनी बड़ा बनेगा, स्वर्ग के योग्य बनना है तो हमेशा जो है उसे भी छोटा बनो। इसलिए प्रेरित पौलुस ने बोला ना, पहले शाऊल था बड़ा, प्रभु में आने के बाद में बोला मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, प्रेरितों में सबसे छोटा, बाद में बोला मैं पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूं, आखिरी में बोला मैं भावियों में नंबर वन भावी छोटा का छोटा, क्या बना हो? सबसे छोटा बना, सबसे छोटा बना। हम लोग क्या बोलते हैं? तुम तो कल आया विश्वास में, मैं पुराना विश्वासी है, मेरे को सब आता है, मेरा आदर करो, मेरा प्रणाम करो, ये क्या मसीहत है? नहीं प्रभु यीशु मसीह जब मरकोस 10 अध्याय का 45 वचन में क्या बोला, वो सेवा कराने के लिए आया? नहीं नहीं नहीं, वो सेवा करने के लिए आया प्रियो, हमारी सेवा के लिए आया, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में ऐसे ही काम होना चाहिए प्रियो, है हमको आखिरी तक इब्रानियों के पत्री में 6 अध्याय के 10 वचन एक बड़ा अनोखा वचन है, आप लोग उसको पॉकेट में देखना, दिल में देखना, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया पहले पहले जीवन में, कल तक दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की, अभी कर रहा है वर्तमान में भी किया, भी अभी कर भी रहा है, क्या किया समझ में आया कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो हमारे जीवन में किसी प्रकार भी कोई भी प्रकार का मूर्ति हमारे जीवन में आने का मौका नहीं देना, है ना। एफेसियों 5 अध्याय का 5 वचन, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जो है या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मूर्ति पूजा का बराबर है। इससे पहले हमने लोभी के बारे में बोला था, तो बोलता है कि वो एक मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा है। हमारे जीवन में
किसी प्रकार का एक मूर्ति पूजा, मूर्ति मूर्ति का अर्थ एक बार मतलब शॉर्ट में बोलेगा तो यीशु मसीह से बढ़कर आपके जीवन में कोई भी बात आ गया तो मूर्ति, प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर के आपका नौकरी आ गया तो वो एक मूर्ति है, आपका माँ बाप आ गया तो वो एक मूर्ति है, भाई बहन बच्चा अगर उससे बढ़कर आ गया तो एक मूर्ति है, गेस्ट आ गया तो बड़ा मूर्ति है। ना इसलिए रोम पहला कुरिन्थी 10:14 में क्या बोला, इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। पहले योगना 5:21 देखा, मूर्तियों से बचाए रखो प्रियो, कोई भी प्रकार का मूर्ति को हमारे जीवन में आने का मौका नहीं देना प्रियो है, पर को याकोब ने ऐसे बोला तुम्हारे पास जितना मूर्ति है वो सारा मूर्ति लाओ, कोई भी प्रकार का मूर्ति हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए है। पर जो इसराइल लोगों ने उनको अपना भुजबल से छुड़ाए वो महान परमेश्वर को उसी समय में भूल करके उन्होंने मूर्ति बनाकर बछड़ा बनाकर उसके सामने नाचकर ओ यहोवा को हम प्रभु मनाएंगे बोल करके प्रभु को बहुत दुख दिया। उसी दिन 3,000 लोग मर गया। देखा, प्रभु का व्यवस्था लेकर के प्रभु का दास मोशा नीचे आया, उस समय में लोग मूर्ति को मूर्ति बना करके बछड़ा बना करके मिस्रीम के देव को बना करके पुराना उस एक्सपीरियंस में आकर के नाच रहा था। मोशा ने बोला जो यहोवा का पशु में हूं मेरे पास आ जाओ, लेवी लोग आया, बोला अभी आगे कौन है क्या है मत देखो, क्लोज करो। उन्होंने माँ बाप है भाई बहन है बच्चा है कोई नहीं देखा, आगे जो मिल गया काट गया। कितने लोग मर गया? 3,000। प्रभु का आत्मा जब मंडली खड़ा करने के लिए स्वर्ग से उतर आया, एक ही दिन में पत्रोस का प्रचार में कितने लोग बच गया? 3,000। व्यवस्था लेकर आ गया तो 3,000 मर गया, अनिग्रह उतर आया तो 3,000 बच गया। कितना बड़ी बात है, आप हम प्रभु का अनिग्रह पाया दो। इसलिए हर प्रकार का मूर्ति से पहचाने, बाकी बात आप प्रभु का अनिग्रह से कल देखेंगे, पूरा प्रभु को सहायता करेगा। आइए प्रियो, प्रभु का सत्य वचन हमें मिला है, ये वचन के द्वारा अपने जीवन को परखो प्रियो, ये वचन के सामने मेरे जीवन कहां मरे, ये वचन आज मैंने से क्या कहा, मेरे जीवन में अभी भी मेरे जीवन बदलना चाहिए क्या। सातों मंडली को मन फिरने के लिए प्रभु ने बताया तो आज भी मेरे जीवन में कोई मन फिरने का भाग है क्या, अपने आप को सही करने के लिए प्रभु ने कुछ कहा है क्या, सही करने वाला बात सही करना प्रियो, प्रभु को प्रसन्न करके ये छोटा जीवन बिताकर जल्दी जल्दी आने वाले प्रभु को स्वीकारने के सच्चा तैयारी में रहने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन। थैंक यू।